हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। बच्चों, आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब आपकी फिर से वही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी जैसे पहले चलती थी, ठीक है? तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि जो आपके आगे एग्ज़ाम आए उसमें आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है बच्चों? तो आज हम आपको बच्चों हिंदी ग्रामर में एक पत्र पढ़ेंगे कि अपने मित्र को नववर्ष की बधाई देने के लिए पत्र, ठीक है? किस लिए? अपने मित्र को नववर्ष की बधाई देने के लिए, ठीक है? तो इसमें कैसे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जैसे हम जब प्रार्थना पत्र लिखते थे तो उसमें लिखते हैं सेवा में, फिर श्रीमान मुख्याध्यापक जी आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्ला हुआ, ऐसे लिखते हैं। जो पत्र लिखते हैं बच्चों उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले परीक्षा भवन एवैसे शहर। अगर आप एक शहर का नाम होता है तो शहर का नाम लिख देते, मान लो लिखा है मुंबई तो मुंबई लिख देंगे, कोई भी नाम नहीं होता तो हम एवैसे शहर, ठीक है? जिस दिन हम इसको करते हैं उस दिन की डेट, जैसे मैंने इसमें 31 दिसंबर 2020 डाला है, तो आप जिस आज आप आज लिखेंगे तो इसको आज की डेट लिखना है इसमें, ठीक है? कि 3 जनवरी 2021, ठीक है? इतना समझ में आया? ऊपर का ये सेम रहेगा मैटर, ओके? फिर आएगा आपका प्रिय मित्र अंशुल, सस्नेह नमस्कार, कल नववर्ष आरंभ होगा। जब नववर्ष के पहले दिन लिखते हैं बच्चों हम, ये नववर्ष की शुभकामना दे रहे हैं, ठीक है? किसकी? नववर्ष की बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। तो नववर्ष के फर्स्ट डे ही लिखेंगे हम उसको पत्र, तो यानी कब लिखेंगे? 31 दिसंबर को, ठीक है? वो तो 2020 भी हो सकता है, 2019, अगर 20 के लिए बधाई दे रहे हैं 19 लिखेंगे, अगर 20 में बधाई दे रहे हैं तो 21 के लिए बधाई दे रहे हैं। जैसे अभी कल परसों नववर्ष गया है तो हम इसकी बधाई दे रहे हैं तो 2020 लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद कल नववर्ष आरंभ होगा, इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि यह नया वर्ष तुम्हारे लिए खुशियाँ और सफलता देने वाला हो। तुम्हारा मित्र, नीचे अपना नाम लिख देना है, तुम्हारा मित्र लिख के यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है? जहाँ मैंने डैश डैश छोड़ा है वहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है बच्चों? दोबारा देखते हैं, परीक्षा भवन सबसे ऊपर लिखते हैं, परीक्षा भवन जैसे सेवा में लिखते हैं वहाँ पे क्या, परीक्षा भवन, ठीक है? उसके बाद आपको एवैसे शहर यानी कि लेफ्ट साइड पे ये सब लिखा जाएगा, ध्यान रखना, आप लोग ये गलती करते हैं, ठीक है? उसके बाद दिनांक, फिर प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम, सस्नेह नमस्कार, उसके बाद जो आपको बीच का कंटेंट है वो उसे लिखना है, और उसमें लास्ट में तुम्हारा मित्र, और उसके बाद जो आपका नाम है वो लिखना है, वो भी लेफ्ट साइड में ही लिखना है, ठीक है? राइट साइड में नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों? ऐसा में आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है, ठीक है? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।